इधर जयपुर के कोटपुतली से खबर, जहां नेहरू बाजार में कपड़े की दुकान में आग लगी थी। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल आसपास के लोगों में मच गया था। दुकान मालिक मौके पर पहुंचा, तब तक पूरा सामान जलकर स्वाह हो गया था। दमकलों को मौके पर बुलाया गया और उसके बाद एक दमकल ने लगातार कड़ी मशक्कत कर इस आग पर काबू पाया। हादसा कितना भीषण था इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। धुएं का गुबार निकलता हुआ इस कपड़े की दुकान से नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें, गाड़ियां भी समय पर घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाई थी अतिक्रमण होने के चलते। ऐसे में आग लगातार बढ़ती गई। बहरोड और नीमराना के दो दमकलों को मौके पर बुलवाया गया और आग पर काबू पाया, लेकिन इस दौरान दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया था। कोटपुतली के इतिहास में पहली मार्केट में इतनी तगड़ी आग है, जिसके बाद प्रशासन का कोई बड़ा नुमाइंदा यहाँ मार्केट में नहीं आया कि कोटपुतली शहर में एक आग लगी है इतनी भयंकर आग, जबकि यहाँ पे एसडीएम कार्यालय है, लेकिन एसडीओ से लेके और कोई भी ऐसा अधिकारी यहाँ पे मौके पे नहीं पहुंचा, अभी तक नहीं आया। नुकसान कम से कम 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और व्यापारी की उम्मीद है कि संक्रांत के बाद काम चलेगा। व्यापारियों ने इतना भयंकर स्टॉक कर रखा था कि संक्रांत के बाद व्यापार चलेगा, तो इसलिए उसने स्टॉक के नाम से अपार मात्रा में माल भर रखा था, लेकिन दुकान जल के राख हो गई है।